नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 28 अगस्त 2022 दोपहर के 2:30 बजे नोएडा सेक्टर 93 ए के एक सोसाइटी में सुपरटेक की बिल्डिंग गिराई गई। ट्विन टावर जब ध्वस्त हुए तो उसके बाद से तमाम सवाल उठने लगे और सबसे बड़ा ये सवाल था कि आखिर अब ट्विन टावर की जगह बनेगा क्या। तमाम तरह की राय आ रही थी और इस बीच एक ऐसी राय आई है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ट्विन टावर की जगह अब भव्य राम मंदिर बनेगा, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और ये खबरें वहाँ के आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हैं। आपको बता दें कि ट्विन टावर गिरने के बाद लगातार मलबा हटाने का काम इस वक्त चल रहा है और अगले 3 महीने में वहाँ मलबा हटा लिया जाएगा, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये था कि मलबा हट जाएगा तो क्या वहाँ पर पार्क बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा या फिर वो जमीन सरकार के अधीन हो जाएगी। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अब खबर ये है कि ट्विन टावर की जगह राम मंदिर बनाया जाएगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। आपको बता दें कि एक लंबी लड़ाई ट्विन टावर के खिलाफ वहां की सोसाइटी के लोगों ने लड़ी और आखिरकार उन्हें लगभग 11 साल बाद न्याय मिला और ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्विन टावर में अनियमितताओं का खेल हुआ और तमाम तरीके के घोटाले भी किए गए और जो जमीन खाली दिखाई गई, ग्रीन एरिया दिखाया गया, वहीं पर सुपरटेक ने अपने ट्विन टावर खड़े कर दिए, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1.5 साल की सुनवाई के बाद ये फैसला सुना दिया था कि टावर को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि सुपरटेक इसके साथ ही तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक सुनवाई चली और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कह दिया कि हाँ, ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाना चाहिए और आदेश देते हुए उसने 3 महीने के अंदर ही ट्विन टावर गिराने का फैसला दिया था। हालांकि तमाम वजहों से ट्विन टावर गिराने का फैसला टलता रहा। आखिरकार 28 अगस्त 2022 की तारीख तय की गई और दोपहर 2:30 बजे सिर्फ 9 सेकेंड में ब्लास्ट करके ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा सकता है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, ट्विन टावर जो गिरा है वहां पर क्या कुछ बनना चाहिए, राम मंदिर, हॉस्पिटल या स्कूल या फिर वो जमीन सरकार के अधीन रहनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।